हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश मुक्तान फ्रॉम काठमांडू नेपाल से फिर से स्वागत है आप लोग का महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप S6 का इलेक्ट्रिक शिफ्टर फोर व्हील ड्राइव फेलियर प्रॉब्लम से रिलेटेड एक फॉल्ट के बारे में। ठीक है, देख रहा है ना, इधर आप लोग ने देखा ही होगा, इधर हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फोर व्हील आएगा, लाइट ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अभी हमारा फोर व्हील का ये सिलेक्टर स्विच टू व्हील ड्राइव मोड में है। ठीक है, तब भी ये फोर व्हील आएगा, लाइट ब्लिंक कर रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। फोर व्हील आई लगाऊंगा। ठीक है, फोर व्हील आई लगाने के बाद में भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, वही फोर आई का लाइट ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, देन फिर मैं फोर लो लगाऊंगा। फोर लो लगाने के टाइम में हमेशा क्लच प्रेस करना चाहिए। ठीक है, एंड फोर लो लगाने के बाद में भी हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, वही फोर आई का लाइट ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, ऐसा है सिम्टम और प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, चलिए महिंद्रा स्कॉर्पियो का फोर व्हील ड्राइव से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट का कैसे डायग्नोस करना है वो आज हम जान लेंगे। ठीक है, महिंद्रा स्कॉर्पियो का फोर व्हील ड्राइव से रिलेटेड प्रॉब्लम और फॉल्ट का डायग्नोस करने के लिए हम कंप्यूटर स्कैनिंग से स्कैन नहीं कर सकेंगे। हम उसके लिए हमको एक सिंपल सा टेस्टर लैम्प होना चाहिए। ठीक है, हमको फ्यूज चेक करना है तो फोर व्हील ड्राइव से रिलेटेड। ठीक है, इधर सेकेंड नंबर वाला 4WD-SU-B+ देख रहा है ना, ये एक फ्यूज है। देन दूसरा EMS-IMU-4WD, ठीक है, ये वाला 10 एम्पेयर एंड 20 एम्पेयर का फ्यूज चेक करना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इधर इसके बीच में 2 स्पेयर है, 2 स्पेयर से नीचे ये 2 फ्यूज चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे ऊपर का 20 एम्पेयर का ये, देन ये 10 एम्पेयर का, ये दोनों फ्यूज एक बार चेक करेंगे। फ्यूज तो ओके ही होगा क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लाइट ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, टेस्टर लैम्प ला चुका है, अब हम चेक करेंगे फ्यूज। हमारा फोर व्हील ड्राइव का इश्यू का फ्यूज ऊपर का प्रॉपर ओके है। ठीक है, देन दूसरा ये भी प्रॉपर ओके है। ठीक है, दोनों फ्यूज प्रॉपर ओके है, तो अब हम फॉल कोड को टेस्ट करेंगे, क्या चीज़ का फॉल कोड दे रहा है। और फॉल कोड चेक करने के लिए ओटीसी लैम्प का नीजल पिन नंबर 8 में कनेक्ट करना है हमने, ये डीटी स्कैनर का VCI कनेक्टर में। ठीक है, देन ये हमारा टेस्टर लैम्प कहीं भी प्रॉपर पावर सप्लाई मिलता है वही उसी में टॉस करना है। ठीक है, अभी हमारा इधर नज़दीक में पावर सप्लाई लेने के लिए फ्यूज बॉक्स है। ठीक है, फ्यूज बॉक्स से हम पावर सप्लाई लेंगे। ओके, मैं इग्निशन ऑन करूँगा, ऑन कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं ना, शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट, इसका मतलब हमारा शिफ्टर मोटर से रिलेटेड एक फॉल्ट दे रहा है। ये ब्लिंक कोड के मतलब 010 और आएगा। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग देख रहा है ना, लास्ट में 2 लॉन्ग आ रहा है, 011 आ रहा है, इसका मतलब क्लच सिंक्रोनाइजर से रिलेटेड फॉल्ट है। ठीक है, 011 वाला 111। ठीक है, फिर से काउंट करेंगे, दूसरा फॉल्ट कोड आ चुके हैं 111। इसका मतलब मोटर पोजीशन सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट है। इग्निशन ऑन करने के बाद में हमेशा कंटिन्यू फोर व्हील हाई का लाइट ब्लिंक करने का सिम्टम में 3 टाइप का फॉल्ट कोड आ रहा है, एक शिफ्टर मोटर से रिलेटेड, देन दूसरा क्लच सिंक्रोनाइजर से रिलेटेड, देन दूसरा मोटर पोजीशन सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, फॉल्ट कोड ओके, अब हम चेक करेंगे नीचे हमारा व्हीकल के नीचे। ओके दोस्तों, मैं अभी हमारा व्हीकल के नीचे ट्रांसफर केस में आ चुका है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि फोर व्हील हाई लगाने के बाद में क्या हमारा शिफ्टर मोटर रिएक्ट करेगा कि नहीं है। ठीक है, एंड दूसरा बात आप लोग का समझाने के लिए आसान हो, इसलिए मैंने इधर मास्किंग टेप में कलर कोड कर दिया है। ठीक है, ये व्हीकल का पहले से दूसरा वर्कशॉप में रिपेयर कर चुका है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए हमारा इधर वर्कशॉप में आया है, इसलिए आप लोग को समझाने के लिए आसान हो एंड वीडियो ज़्यादा से लंबा ना हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसका पूरा खोल चुका है, इधर का टेपिंग वगैरह। ठीक है, इसका कनेक्टर कोई भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों कनेक्टर नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि फोर व्हील ड्राइव लग रहा है कि नहीं लग रहा है इधर ट्रांसफर केस में। ओके, अब हम फोर व्हील ड्राइव लगा के चेक करेंगे क्या इधर हमारा ट्रांसफर केस में
फोर व्हील ड्राइव लग रहा है कि नहीं है, ठीक है। ये मोटर, ये शिफ्टर मोटर रिएक्ट कर रहा है कि नहीं है, ठीक है। फोर व्हील आई लगाओ लाउन भयो, फोर व्हील आई लगा चुका है ऊपर, ठीक है। फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, देख रहा है ना। इधर आगे का ये प्रोपेलर शाफ्ट पूरा फ्रीली, ये प्रोपेलर शाफ्ट घूम रहा है, ठीक है। एंड पीछे का शाफ्ट नहीं घूम रहा है। फोर व्हील लो लगाओ ना, अब हम फोर व्हील लो लगाएंगे। लो भी लगा चुका है, ठीक है, ऊपर। एंड फोर व्हील लो में भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर फोर व्हील आए और फोर व्हील लो लगेगा तो ये हमारा शिफ्टर मोटर रिएक्ट करेगा और एक नॉइज क्रिएट करेगा, ठीक है। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। एंड अब एक बार आप लोग का दिखाएंगे इसमें 12 वोल्ट आता है कि नहीं। फोर व्हील हाई और फोर व्हील लो लगाने के बाद में अब हम फोर व्हील हाई और फोर व्हील लो एक ही साथ छुटाएंगे। टू व्हील ड्राइव बूट में रखना है, टू व्हील में रखना पूरा स्विच। हमने फोर व्हील ड्राइव का सिलेक्टर स्विच टू व्हील ड्राइव मोड में रख दिया है। अब हम चेक करेंगे इधर 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मैंने टॉर्च कर दिया दोनों प्रोब हमारा टेस्टर लैम का। ड्राइव फोर व्हील आई लगाओ ना, अब हम फोर व्हील आई लगाएंगे। लाउन भाई भाई फोर व्हील आई लगा चुका है, फिर भी इधर कोई भी लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड दूसरा बात, इधर एक वायर इधर उधर हुआ है, ठीक है। ये दोनों वायर का, ठीक है, ये दोनों वायर एक आपस में एक्सचेंज हुआ है ऑलरेडी, इसलिए आप लोग का आसान हो कौन सा कलर कोड का मेल एंड कौन सा कलर कोड का ये फीमेल वाला वायर में कौन सा लगेगा। आप लोग ने समझना है कि इधर ये दोनों वाला, ये दोनों मोटो वाला वायर ये हमारा शिफ्टर मोटर का है, ठीक है। ये मोटर का है। देन ये पांच वायर मोटर पोजीशन सेंसर का है, ठीक है। फोर व्हील लगाने के बाद में मोटर का पोजीशन कहाँ क्या है वो सिग्नल ईसीयू का भेजेगा, ठीक है। वही सिग्नल भेजने के लिए काम करेगा ये मोटर पोजीशन सेंसर, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये मोटर का कलर कोड से जानेंगे, ठीक है। इधर ए एम का मतलब मोटर है, ठीक है, शिफ्टर मोटर है। एंड ओ का मतलब ये ऑरेंज कलर का वायर हो गया। उसके बाद में इधर बी बी है, ठीक है, इसमें बी एल लिखना चाहिए इधर। उसके बाद में इधर बी लिखा हुआ है, ठीक है, इधर बी एल होना चाहिए। मैंने एल लिखने के लिए भूल गया, ठीक है। ये ब्लू वाला वायर में ये ओके है। देन दूसरा ए एल ओ, ये भी मोटर का, ठीक है। एम का मतलब मोटर, वाई का मतलब येलो वाला वायर हो गया। एंड येलो वाला वायर कौन सा कलर से कनेक्ट होना है, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर में। इसमें मैंने जी लिखा है, ठीक है, ये प्रॉपर ओके है। देन दूसरा ये वाइट कलर का, ये वाइट कलर का वायर है। एस का मतलब सेंसर, डब्ल्यू का मतलब ये वाइट वायर हो गया, ठीक है। देन प्लस ये वाइट वायर कौन सा वायर से टच करना है, ठीक है, उसका मतलब बी एल वाई, ठीक है, ब्लैक में येल्लो वाला कलर में एक कनेक्ट करना है, ठीक है। उसका मतलब इसमें ब्लू में ब्लैक है, ठीक है। ए एक वायर एंड दूसरा ए एक वायर एक आपस से एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ब्लू में ये येल्लो वाला वायर है, ठीक है, इसके लिए ये। एंड दूसरा ये सेंसर का येल्लो में वाइट, ठीक है, ये इसमें येल्लो है मेन कलर, देन वाइट दिख रहा है ना। इसमें बी एल का मतलब ब्लू एंड बी का मतलब ब्लैक, ठीक है। ब्लू में ये ब्लैक वाला वायर, ये ब्लू में ब्लैक वाला वायर लगेगा, ठीक है। ये दोनों एक आपस में एक्सचेंज करना है और दूसरा तो ओके ही है। और दूसरा ये बी आर का मतलब ब्राउन हो गया, ब्राउन में वाइट, ठीक है, ये ब्राउन में वाइट वाला कलर। एंड ओ का मतलब ऑरेंज कलर का वायर, ये भी प्रॉपर ओके है। एंड दूसरा ये भी सेंसर का है, एस का मतलब सेंसर, पी फॉर पिंक का पिंक वायर है। पिंक वायर में बी एल का मतलब ब्लू में वाइट वाला, ठीक है, ब्लू में वाइट वाला कनेक्ट होना है इसका, ब्लू में वाइट वाला, ये भी प्रॉपर ओके है। एंड दूसरा ऑरेंज में वाइट है, ठीक है, ओ डब्ल्यू का मतलब ऑरेंज में वाइट है प्लस ग्रीन, जी का मतलब ग्रीन, ठीक है, ग्रीन वायर, ये ग्रीन वायर में अटैच है, ठीक है। इसका मतलब
प्रॉपर ओके है एंड खाली ये दोनों वायर हम एक्सचेंज करके देखेंगे क्या फोर व्हील लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, हमने ये दोनों वायर का कनेक्टर वायर एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है। अभी हमारे से BL.Y है, ठीक है, ब्लू में येल्लो वाला, ठीक है, ये प्रॉपर ओके है एंड ये येल्लो में वाइट वाला YW येल्लो में वाइट देन प्लस BL.B, ठीक है, ब्लू में ब्लैक, प्रॉपर ओके हो गया। अब हम एक बार चेक करेंगे कि फोर व्हील आई लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं फोर व्हील लगाओ ना, फोर व्हील, हाँ हाँ फोर व्हील आई लगा चुका है, अभी भी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, देख रहा है ना। ये वीडियो ऐसा स्टेप बाय स्टेप दिखाने के मतलब ये है कि आप लोग का आसानी से स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस कर सके, ठीक है। अभी भी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि भी इधर मेन मोटर का लाइन में कोई भी लाइन नहीं आ रहा था पहले से, ठीक है। और मोटर पोजिशन सेंसर एंड हमारा सिक्सर मोटर से रिलेटेड फॉल्ट आने के बाद में भी इधर 99% इसमें लाइन आएगा, ठीक है, वो लाइन नहीं आ रहा है। इसका पीछे का कारण क्या है वो भी आप लोग का बताऊंगा, ठीक है, बनी रहे वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा से डायग्नोस करना है तो या तो इस चैनल में पहली बार आया है तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड ये प्रॉब्लम क्रिएट होने के रीज़न एंड एक ही साथ तीन तीन फॉल्ट कोड आने के रीज़न एंड इलेक्ट्रिक शिफ्टर फोर व्हील ड्राइव फेलियर होने का रीज़न उसका पीछे का कारण क्या है वो भी आप लोग का दिखाऊंगा, ठीक है। एक ही बार तीन तीन टाइप फॉल्ट कोड आना, मोटर पोजिशन सेंसर से रिलेटेड एंड क्लच सिंक्रोनाइजर से रिलेटेड और हमारा शिफ्टर मोटर से रिलेटेड फॉल्ट कोड आने के रीज़न और उसका पीछे के कारण क्या है वो आप लोग का दिखाऊंगा, ठीक है। वो रीज़न है खाली हमारा ये मैकेनिकल फॉल्ट होने के बाद में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये वो मैकेनिकल फॉल्ट है तो हमारा ये देख रहा ना, ये हाई टेंशन रॉड, ये हाई टेंशन रॉड कोई कई बार ये हमारा व्हीकल ऑफ रोड में जाने के टाइम में ये हाई टेंशन रॉड का ये 22 नंबर का बोल्ट टूटेगा, उसके बाद में बहुत ही स्पीड झटका से ऊपर मारेगा, ठीक है, देख रहा है ना, ऊपर उधर ऊपर में बॉडी का पूरा छेद कर दिया है एंड ये हमारा फोर व्हील ड्राइव का वायरिंग हार्नेस में पूरा इफेक्ट कर गया, देख रहा है ना, उधर पूरा छेद पड़ा हुआ जगह में पूरा वायरिंग हार्नेस टूटा हुआ है, ठीक है। इसीलिए कोई भी टेक्नीशियन हो, आप कोई भी काम करने से पहले कस्टमर से कंप्लेन ज़रूर ले, ठीक है, क्यों कब क्या रीज़न से ऐसा हुआ था, ठीक है। वो कंप्लेन लेने के बाद में आप लोग का डायग्नोसिस में बहुत आसान और बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम वो ऊपर टूटा हुआ वायरिंग हार्नेस का ठीक करेंगे, उसके बाद में 100% श्योर ये फोर व्हील ड्राइव काम करेगा। इसके रिपेयर करने के लिए नीचे से असंभव है, इसके लिए हम ऊपर जाके ड्राइवर सीट रिमूव करेंगे, उसके बाद में इसका रिपेयर करेंगे एंड हमारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। हाँ ओके दोस्तों, हमने पूरा सीट रिमूव कर दिया एंड हमारा इधर का हैंड ब्रेक का कवर वगैरह वो भी रिमूव कर दिया, ठीक है, ताकि ये वायरिंग हार्नेस रिपेयर करने के लिए सहज हो, ठीक है। ये और ये हमारा फोर व्हील ड्राइव का इश्यू इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट दैन मेन प्रॉब्लम हमने नीचे से देखा था, वो प्रॉब्लम इधर ही देख रहे हैं ना, इधर इतना बड़ा सा पूरा छेद हुआ है वो हाई टेंशन रॉड टूटने के वजह से, ये पूरा वायरिंग का पूरा सत्यानाश कर दिया, ठीक है, पूरा ऐसा ख़त्म हुआ है, ठीक है, उसी की वजह से तीन तीन टाइप का फॉल्ट कोड क्रिएट हो रहा था। ओके, अब हम ये वायरिंग हार्नेस और सर्किट का ठीक करेंगे, उसके बाद में हमारा प्रॉब्लम 100% ओके हो जाएगा, ठीक है। ये मोटर ये हमारा मेन मोटर का 12 वोल्ट पॉजिटिव पावर सप्लाई गए, उसी की वजह से फोर व्हील हाई फोर व्हील लो लगाने के टाइम में भी कोई भी मोटर कोई भी रिस्पॉन्स और कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। ओके चलिए, अब हम ये वायरिंग हार्नेस का ठीक करेंगे, उससे पहले सबसे पहले अब हम इग्निशन का पूरा ऑफ कर देना है, ठीक है, इग्निशन ऑफ करने के बाद में तब हम ये काम करना है एंड
हमारा ट्रांसफर स्केयर कंट्रोल मॉड्यूल और ईसीयू का डिसकनेक्ट करना है, ठीक है। और आप लोग और उससे भी सिक्योर होने के लिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल छुटा सकता है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं छुटाऊंगा, ठीक है। मैं वो अपने एक्सपीरियंस के आधार से नहीं छुटाऊंगा मैं, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सिक्योर से काम करना चाहता है और उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कोई भी इलेक्ट्रिक मेजर काम करने से पहले बैटरी का टर्मिनल डिसकनेक्ट करें, उसके बाद में काम करें, ठीक है। ओके, मैं अब हम ये कंट्रोल यूनिट का डिसकनेक्ट करूँगा, उसके बाद में इसका काम करूँगा, ठीक है। हाँ ओके दोस्तों, हमने पूरा वायरिंग हार्नेस रिपेयर कर चुका है, ठीक है। एंड आप लोग का ये सील करने से और टेप लगाने से पहले आप लोग का एक बात बताने के लिए चाहता हूँ, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड फॉल्ट का ठीक करने से पहले और वायरिंग हार्नेस देन सर्किट का ठीक करने से पहले वो सर्किट कितना mm का और कितना साइज का है वो हमको श्योर करना चाहिए। देन उसी साइज का वायरिंग हार्नेस अगर ऐड करना है तो उसी साइज का वायरिंग हार्नेस ऐड करना चाहिए, ठीक है। ये मोटा सा वायर में हमने सेम साइज का ये मोटा सा वायर लगा हुआ है, ठीक है, देख रहा है ना, ये लगा दिया ग्रीन में ग्रीन, ठीक है। ये कलर कोड भी देख के कंफर्म करके ठीक करना है, ठीक है। एंड हमने अगर ये मोटा सा वायर में ये पतला वाला वायर ऐड कर दिया तो बाद में इसमें फॉल्ट और दिक्कत आ सकता है एंड आएगा भी, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज चलेगा, ठीक है। हाई वोल्टेज की वजह से ये सर्किट का ये बाहर का कवर जल जाएगा, उसके बाद में फिर से प्रॉब्लम और फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए कितना mm का कितना साइज का सर्किट है उसी साइज का सर्किट हमने ऐड करना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा पतला वाला वायर में हमने पतले साइज का सर्किट ऐड कर चुका है, ठीक है। इसलिए हमने कोई भी सर्किट रिपेयर करने के टाइम में उसका कनेक्ट करने के टाइम में इसी टाइप से सर्किट कनेक्ट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एंड स्पेस भी कम लगेगा एंड टूटने के चांस भी कम हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, हमने पूरा सर्किट रिपेयर कर चुका है, ठीक है। अब इसका इंसुलेशन और सील करने से पहले फिर से एक बार चेक करना चाहिए क्या हमने रिपेयर करा हुआ वायरिंग हार्नेस और ये सर्किट सही से रिपेयर और सही जगह में और सही कलर कोड मैच हुआ है कि नहीं, वो श्योर करना है, ठीक है। क्योंकि बाई चांस मिस्टेक से कलर कोड मिस हो जाएगा तो आपका ये ईसीयू ट्रांसफर के कंट्रोल मॉड्यूल उसमें प्रॉब्लम आ सकता है एंड वो फेल हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने इसका इंसुलेशन और इसका सील करने से पहले एक बार ज़रूर कलर कोड रिपेयर करा हुआ सर्किट का कलर कोड मैच हुआ है कि नहीं है वो देखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये वाला हमारा शिफ्टर मोटर का मोटा वाला ये ग्रीन में ग्रीन वाला, ठीक है, ये प्रॉपर ओके है, ये ओके हो गया। देन दूसरा ये हमारा ये ब्राउन में ब्लैक वाला कलर है, ये बीच का हमने रिपेयर करा हुआ कलर है, ठीक है। एंड उसके बाद में ब्लैक ब्राउन में ब्लैक ब्लू में येलो कलर वाला ये बीच में हमने ऐड करा हुआ है एंड ये ब्लू में येलो, ये भी प्रॉपर ओके है, ठीक है। एंड दूसरा ये ब्लू में ब्लैक कलर देख रहा है ना, ये बीच का ऐड करा हुआ सर्किट है तो एंड उसके पीछे ये ब्लू में ब्लैक है, ये ब्लू में ब्लैक है, ये भी प्रॉपर ओके है। एंड दूसरा पूरा ब्राउन कलर का है, ये बीच का हमने रिपेयर करा हुआ सर्किट हो गया एंड इसका कलर कोड मैच ये पूरा ब्राउन ही है, ठीक है, ये भी प्रॉपर ओके है। ये ब्लू में वाइट कलर का है एंड ये बीच का वो ऐड करा हुआ हो गया, ये ब्लू में वाइट है, ये भी ओके है। एंड दूसरा ये रेड में एंड दूसरा ये रेड में वाइट कलर है उधर रेड में एंड लास्ट में ये वाइट में ब्लू कलर का धक्का पड़ा हुआ है, ये बीच का हमने ऐड करा हुआ सर्किट हो गया। एंड उसका ओरिजिनल सर्किट कलर कोड वाइट में ब्लू कलर है, ठीक है।
इसका मतलब हमने रिपेयर करा हुआ सर्किट का कलर कोड प्रॉपर मैच हो चुका है और प्रॉपर मैच है। अब हम इसका कंफर्म हो गया तो अब इसका इंसुलेशन और सील करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, हमने पूरा सर्किट रिपेयर कर दिया, उसके बाद में डस्ट वगैरह क्लीन करने के लिए वैक्यूम लगा रहा है। ओके, हमने पूरा वैक्यूम लगा दिया, पूरा क्लीन कर दिया, उसके बाद में ये छेद वाला पूरा का हम इंसुलेशन कर दूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, हमने पूरा वायरिंग हार्नेस सर्किट का पूरा रिपेयर कर चुका है, ठीक है। रिपेयर करने के बाद में हमने इधर पूरा नीचे हाइटेशन रॉड ने छेद करा हुआ बॉडी का पूरा रिपेयर करके इधर इंसुलेशन कर चुका है, ठीक है, देखा है ना हमने इधर। एंड अब हम ये ईसीयू इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट यानी कि हमारा ट्रांसफर केस का कंट्रोल मॉड्यूल है ये कनेक्ट करूँगा, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद में इधर का पूरा प्रॉपर ओके हो गया, ये वाला सर्किट इधर से मैट से छेद करके उधर ऊपर निकल चुका है, ये हमारा सीट बेल्ट का है, ठीक है। एंड उसके बाद में हमारा ये जो हैंडब्रेक का ये कवर एसी का वेंट है ना ये पीछे का, उसके नीचे, ठीक है। ओके, हमने सेलेक्टर स्विच में आने वाला सर्किट का पूरा ऐड कर दिया, ठीक है। ओके दोस्तों, अब हम फोर व्हीलर लगा के चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद में हमारा एक हैंड ब्रेक का कवर एंड ड्राइवर सीट लगाऊंगा, ठीक है, कन्फर्म हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में। ओके, अब हम व्हीकल का इग्निशन ऑन करेंगे, इग्निशन ऑन कर दिया, ठीक है। इग्निशन ऑन करने के बाद में अभी हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में प्रॉब्लम होने से ब्लिंक होने वाला फोर लाइट का लाइट अभी पूरा बैग हो चुका है, ठीक है, अभी वो ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। ओके चलिए, अब हम फोर व्हीलर लगाएंगे, ठीक है। मैं फोर व्हीलर हाई लगा दिया, फोर व्हीलर हाई लगाने के बाद में ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखेंगे फोर व्हीलर हाई लगेगा क्या। ओके, हमारा फोर व्हीलर हाई प्रॉपर वर्क कर चुका है, ठीक है, स्टेबल हो चुका है, ब्लिंक ओके। देन दूसरा स्टेप हम लो लगाएंगे, लो लगाने के टाइम में हमेशा क्लच को प्रेस करना चाहिए, ठीक है। हमारा फोर व्हीलर लो भी लग चुका है, देख रहे हैं इधर 4WD लो, ठीक है, फोर व्हील ड्राइव लो लग चुका है इधर का। एंड अब हम फोर व्हील लो छुटाएंगे, हम फोर व्हील लो छुटाए, छुटाने के बाद में इधर ब्लिंक हो रहा है फोर व्हील हाई, इधर का लो का लाइट बैग हो चुका है एंड हाई में स्टेबल हुआ है, क्योंकि हमारा अभी हाई मूड में है, फोर व्हील हाई मूड में है, ठीक है। एंड हम फोर व्हील हाई को भी छुटाऊँगा एंड टू व्हील ड्राइव में करूँगा, ठीक, टू व्हील ड्राइव कर दिया, कुछ सेकेंड में बैग हो चुका है, ठीक, फोर व्हील हाई भी प्रॉपर छूट गया है, ठीक है। ओके, फिर एक बार देखूँगा, हमने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में इधर ब्लिंक हो रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, हाई का लाइट स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल हो चुका है, ठीक है, हाई प्रॉपर ओके हो गया। देन लो लगाऊंगा, लो लगाने के टाइम में लो का लाइट ब्लिंक हो रहा है, स्टेबल होगा, ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर ओके है, ठीक है। मैंने हर वीडियो में बताया था कि हमेशा थोड़ी लो लगाने के टाइम में क्लच का प्रेस करना चाहिए, विदाउट क्लच तो हमारा फोर व्हील लो शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, फोर व्हील हाई बहुत हाई तो लगेगा लेकिन फोर व्हील लो नहीं लगेगा, ठीक है। एक बार आप लोग का दिखाऊंगा फोर व्हील लो, अभी हमारा फोर व्हील लो मूड में है तो मैंने क्लच नहीं प्रेस करूंगा तो ये फोर व्हील लो नहीं छूटेगा, ठीक है। अभी फोर व्हील लो में है तो मैं क्लच प्रेस नहीं करूँगा, ठीक है, मैंने लो छुटाया हाई में, क्लच नहीं प्रेस कर रहा है, ठीक है, इधर खाली ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, ये छूटने वाला नहीं है, देख रहा है ना, ये 4-5 सेकेंड से ज़्यादा हो चुका है, ये फोर व्हील नहीं छूट रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इधर क्लच नहीं प्रेस किया है, फोर व्हील लो शिफ्ट एंड डिसइंगेज होने के लिए क्लच सिंक्रोनाइज का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर केस कंट्रोल मॉड्यूल को ड्राइवर ने क्लच दबाया हुआ है कि नहीं है वो सिग्नल को पता होना चाहिए, वो सिग्नल भेजना चाहिए, ठीक है।
हमारा क्लच पैडल में वो सेंसर होता है, सेंसर ने सिग्नल ये ट्रांसफर के कंट्रोल मॉड्यूल का दिएगा, उसके बाद में ये कंट्रोल मॉड्यूल फोर व्हील लोग छुटाएंगे, ठीक है। अभी नहीं छूट रहा है, ओके मैं क्लच प्रेस करूँगा उसके बाद में ये ऑटोमेटिक छूट जाएगा, ठीक है। क्लच प्रेस कर दिया, अभी हमारा ये फोर व्हील लो छूट गया, ठीक है। एंड अब हम फोर व्हील हाई को छुटाऊँगा, टू व्हील ड्राइव में कर दिया, फोर व्हील हाई भी छूट चुका है, ठीक है। दोस्तों प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, अब हम एक काम करने के लिए बाकी है, ठीक है। जो भी फर्स्ट टाइम में हमने डायग्नोस करने के टाइम में वो ब्लिंकिंग कोड का फॉल कोड, तीन तरह का फॉल कोड आ रहा था, एक मोटर पोजिशन सेंसर, देन एक शिफ्टर मोटर एंड क्लच सिंक्रोनाइज का फॉल कोड आ रहा था। वो फॉल कोड का हमने काम करने के बाद में वो फॉल कोड का क्लियर करना चाहिए, ठीक है। वो फॉल कोड कैसे क्लियर करना है वो भी आप लोग का दिखाऊंगा, ठीक है, ओके। फॉल कोड क्लियर करने के लिए एंड डायग्नोसिस के टाइम में हमारा ये टेस्टर लैम्प का कनेक्टर पिन नंबर 8 में कनेक्ट किया था, एंड उसके बाद में इधर जहाँ पावर सप्लाई आता है वो फ्यूज से हम डायग्नोस करा था, ठीक है। अब हम फॉल कोड क्लियर करने के लिए टेस्टर लैम्प का नीडल जहाँ प्रॉपर ग्राउंड मिलेगा उधर टच करना है, उसके बाद में मिनिमम 6 सेकेंड इग्निशन ऑन में होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका फॉल कोड प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम हमारा फॉल कोड अभी मौजूद है कि नहीं है वो देखेंगे। सबसे पहले फॉल कोड क्लियर करने से पहले आप लोग का वो फॉल कोड फिर से दिखाएंगे, ठीक है, एक बार दिखाऊंगा, ओके। अब हम फॉल कोड चेक करेंगे, देन इग्निशन ऑन करना है, ठीक है। इधर चाबी देखो ना, हमने इग्निशन ऑन कर दिया, फर्स्ट का ब्लिंक नहीं काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद में अभी फॉल आ रहा है क्योंकि हमने प्रॉब्लम सॉल्व और काम तो किया, फॉल कोड नहीं क्लियर कर रहा था, इसलिए ये फॉल कोड अभी भी है, ठीक है। देख रहे हैं ना, अभी क्लच सिंक्रोनाइज का फॉल कोड आ रहा है, फर्स्ट टाइम में शिफ्टर मोटर का फॉल कोड आ रहा था, अभी क्लच सिंक्रोनाइज का फॉल आ रहा है, 1 1 1, ए मोटर पोजिशन सेंसर का फॉल आ गया, 1 1 1, ओके। ये फॉल कोड, ये तीनों फॉल कोड एक ही बार में क्लियर हो जाएंगा, ठीक है। उसके लिए अब हम इग्निशन ऑफ करेंगे, ठीक है। इग्निशन ऑफ करने के बाद में ये टेस्टर लैम्प को पॉजिटिव पावर सप्लाई में जोड़ने वाला टेस्टर लैम्प का नीडल जहाँ प्रॉपर ग्राउंड मिलेगा उधर टच करना है, ठीक है। मैंने अभी उधर टच करना है, ठीक है। उसके बाद में ये इग्निशन ऑन करना है, मिनिमम 6 सेकेंड होल्ड करना है इग्निशन ऑन में ये टच करके, ठीक है, ओके। मैंने ऑन कर दिया, काउंट करूँगा आप लोग के एग्जाम्पल के लिए, 1 2 3 4 5 6, ओके। जब देखो अब इग्निशन ऑफ करेंगे, ठीक है। इग्निशन ऑफ करने के बाद में अब हम फॉल कोड चेक करना है, फॉल कोड क्लियर हुआ है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपका फॉल कोड क्लियर हुआ है तो खाली एक बार टेस्टर लैम्प ब्लिंक हो के फर्स्ट का ब्लिंकिंग लाइट से दूसरा तीसरा और वो ब्लिंकिंग कोड नहीं आएगा, ठीक है। खाली एक बार ब्लिंक होके वो दूसरा टाइम में ब्लिंक नहीं होगा और ये टेस्टर लैम्प ग्लो नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब हम चेक करेंगे फॉल कोड क्लियर हुआ है कि नहीं है, फर्स्ट ब्लिंक होके बैक हो गया है एंड अभी तक हमारा टेस्टर लैम्प कोई भी रेस्पॉन्स एंड कोई भी ब्लिंकिंग कोड नहीं दे रहा है और नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा फॉल कोड प्रॉपर क्लियर हो चुका है, ठीक है। फिर एक बार टेस्ट करेंगे, ऑन किया, फर्स्ट ब्लिंकिंग कोड आया एंड उसके बाद में कोई भी लाइट एंड कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है इस टेस्टर लैम्प, ठीक है। उधर देखा, मैंने टेस्टर लैम्प का नीडल पॉजिटिव पावर सप्लाई में ही कनेक्ट कर रहा है, उस दिन के बाद में हमारा प्रॉब्लम प्रॉपर सॉल्व हो गया, ठीक है। एंड हमेशा आप लोग ने काम करने के बाद में और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में ज़रूर फॉल कोड का क्लियर करिए, क्योंकि ये फॉल कोड क्लियर नहीं करेगा तो बाद में ये हमारा इश्यू इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट ट्रांसफर केस कंट्रोल मॉड्यूल का दिक्कत करेगा, ठीक है। उसके लिए हमेशा हमने फॉल कोड का क्लियर करना चाहिए, ओके। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आप लोग का मेरा इस वीडियो क्या कैसे लगा, अगर अच्छा लगे तो
नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया कीजिए। और चैनल में पहली बार आया है या तो अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में आने वाला ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ऑटोमेटिव रिपेयरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।